माय चैनल पंजाबी कड़ी एज। तो आज मैं आपको एक नई चीज दिखाने जा रही हूँ जो मैं खुद अपने हाथों से बना रही हूँ। मेरे घर में ये देखिए एक डेकोरेशन पीस, फाउंटेन डेकोरेशन पीस। तो मैं आपको अब एक एक चीज बताऊंगी इसमें क्या क्या मैंने यूज किया है और कैसे कैसे यूज किया है। तो चलो गाइस मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मेरे घर में एक पॉट पड़ा था कंच का, ये देखिए ये मैंने यूज किया है। ये मुझे लगा था कि डीप कम है तो इसके लिए मैंने ये पाइप यूज की, जो घर पे हम लोग ये पाइप यूज करते हैं पानी के लिए, जो पाइप यूज करते हैं वो मैंने पाइप यूज की और इसको मैंने लगाया यहाँ पे इसके साथ एरल टाइट के साथ। डबल पाइप यूज करके उसे मैंने यहाँ पे चिपका दिया और उसके ऊपर मैंने कर दिया पेंट, पिंक कलर का पेंट। जो अभी एक कोड हुआ है, अभी दूसरा कोड करना है, अभी गीला है थोड़ा सा सूख जाए फिर करूँगी। और ये देखिए उसके बाद मैंने ये ली है पाइप, सी पीवीसी पाइप, उसका मैंने ये बनाया है। ये देख रहे हैं आप, ये सी पीवीसी पाइप है, इसको भी मैंने पेंट कर दिया है। ये दो बैंड है, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा और ये लगा है टी पॉइंट। और ये जो है ये पंप है, वाटर पंप, ये फिश टैंक वाला पंप है, फिश टैंक का ये पंप है जिसे मैंने पेंट कर दिया है रेड कलर का। ये देखिए इसको अब मैंने यहाँ पे लगा देना है फिट करके। और इस पे मैंने किए हैं होल, और जो छोटी छोटी पाइप आपको नजर आ रही होगी ये पता कौन सी पाइप है, दिखाती हूँ आपको। ये जो बाइक में यूज होती है जिसके साथ टैंकी से पेट्रोल जाता है इंजन को, तो वो पाइप मैंने यूज की है काट के एक एक इंच के, देखिए एक एक इंच का छोड़ के मैंने ये यूज किया, इसके बीच अटका दिया और इसको भी इसी के साथ ही जोड़ दिया। ये जाएगा पानी में, यहाँ सारा पानी फिल हो जाएगा और फिर मैं जब ये पूरा हो जाएगा फिर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे रखेंगे हम ठाकुर जी, ये देखिएगा यहाँ पे रखेंगे ठाकुर जी और यहाँ से चलेगा पानी, ये लाइट के साथ चलेगा पंप। और इसमें खूब सारे स्टोन, कलरफुल स्टोन आपने देखे ही होंगे, कलरफुल स्टोन इसमें डालेंगे खूब सारे और ये चलेगा फिर पानी में, वाटर पंप फाउंटेन बन जाएगा। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ठाकुर जी रखे हैं, आप बुद्धा भी रख सकते हैं, शंकर जी भी रख सकते हैं, एनी कुछ भी आइटम आपको जो अच्छी लगती है कि मैंने यहाँ पे ये रखनी है कुछ भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल ठाकुर जी रखती हूँ और ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट पूरा करके, बट अभी गीला है थोड़ा सा सूख जाए तो मैं इसको दोबारा पेंट करती हूँ पेंट, तो फिर कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी भी मैं स्टार्ट कर रही थी, ये मेरे पास पेंट भी पड़ा है और ये जो पीवीसी पाइप है मैंने इस कटर के साथ काटी है, बहुत टाइम लग गया काटते काटते इसको फिट करते करते। ये देखिए इस कटर के साथ पीवीसी पाइप काटी है और होल करने के लिए ये सेलो टेप यूज की थी जो बाद में उतार दी। और क्या किया फिलहाल, ये देखो पॉट भी पेंट कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी इसको भी दोबारा पेंट करना है। जब तक ये सूखेगा तब तक पॉट पेंट करूँगी, ये सूख जाएगा फिर इसको दोबारा पेंट करती हूँ और कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये कैसे चलेगा। हाँ जी गाइस, तो अपने दिल की धड़कने थाम लीजिए क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि पूरा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैंने वो पूरा कर लिया है। वो बनाया है ठाकुर जी के लिए क्योंकि गर्मियों में ठाकुर जी फाउंटेन के आगे आते हैं तो फाउंटेन में बैठते हैं, तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है। तो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ एक स्मार्ट सा फाउंटेन और स्टार्ट करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह क्या बात है, देखिए भाई कितना सुंदर लग रहा है,
ठाकुर जी कितने मजे से बीच में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मेरा फाउंटेन कितना स्मार्ट बना है। देखिएगा कितना सुंदर बना है। ये मैंने बीच में डाले हैं कलरफुल स्टोन, और ये लगाए हैं फ्लावर, और ये लगाई है मैंने बेल, लीफ बेल, और यहाँ लगाई है मैंने लाइटिंग, ब्लू कलर की लाइट लगाई है, यहाँ पे शेड डल रहा है, और ठाकुर जी को फोकस करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड लाइट यूज़ करी है। और देखिए का फोकस कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग में कितने स्मार्ट लग रहे हैं ठाकुर जी, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ये स्पेशल बना है ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी का निकुंज। देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अपने हाथों से बनाई हुई चीज को देखने का कुछ अलग ही मजा आता है। क्या परफॉर्म कर रहा है वो, ये तो आपके सामने ही है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये अपने हाथों से बनाया हुआ फाउंटेन, ठाकुर जी के लिए फाउंटेन। देखिए देखिए गाइस ठाकुर जी और प्रिया जी कितने आनंद से विराजमान हैं अपने निकुंज में। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को पंजाबी कुड़ी एजे। राधे राधे।